माय डियर बच्चा, दिस इज मी लवजीत अरोरा। सो सब बच्चों का स्वागत है यहाँ पर। और आज के इस लेक्चर में हम बेहद इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं, सॉर्टेड। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो सारे बच्चे? सब बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एग्जाम आपके बिंदास चल रहे होंगे, है ना? तो बच्चा, आज की इस क्लास के अंदर हम करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सॉर्ट सॉर्टेड के बीच में। थोड़ा सा परफेक्ट हो गया अभी, हाँ, हम इसका बहुत बार रीटेक ले चुके हैं। चलिए तो बच्चा, आज की क्लास में हम लोग सॉर्ट सॉर्टेड के बारे में, डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चे अक्सर इसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, और अगर आपको ये जो लेक्चर सीरीज़ है अच्छी लग रही है तो आप इसको शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। एंड यहाँ पर आपकी थ्योरी पार्ट है जो कम्प्लीट हो रहा होगा, और अनअकैडमी पर जाकर के आप पोल वाली क्लासेस के अंदर पार्टिसिपेट करो, ताकि दोनों चीज़ें परफेक्ट चलती रहे। इधर आपका कंसेप्ट क्लियर होता रहे और उधर आपके पोल भी परफेक्ट होते रहें, है ना? तो उसके लिए आप नीचे जो बॉक्स के अंदर आ रहा है LA लाइव कोड, उस कोड का यूज़ करके हमारी फ्री क्लासेस के अंदर एंट्री पा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पर सॉर्ट और सॉर्टेड के बारे में। कहता है सॉर्टेड फंक्शन। तो देखिए, सॉर्टेड और सॉर्ट फंक्शन, दोनों फंक्शन में अंतर क्या है? दोनों फंक्शन में पहले सिमिलैरिटी बताते हैं। दोनों फंक्शन एक सिमिलर काम कर रहे हैं, क्या? सॉर्ट करके दे रहे हैं हमारे सीक्वेंस को। सीक्वेंस भी कौन सा? लिस्ट, यहाँ पर, ठीक है। अब दोनों काम सेम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन फिर यूज़ क्या है अलग, मतलब इनमें अलग क्या है? बात करें अगर सॉर्टेड फंक्शन की, तो ये क्या करेगा, हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट है ना, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं करेगा। मतलब वो हमारी वैसे की वैसे ही है अनसॉर्टेड, लेकिन ये जो फंक्शन है ये आपको सॉर्ट करके आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट दे देगा। अगर आप चाहते हो डिसेंडिंग में, तो उसके लिए हम अलग से सिंटैक्स लिखेंगे, बता दूंगी, रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू लिखना होगा। अब बात करेंगे अगर सॉर्टेड की, तो ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट में कोई फ़र्क डालता नहीं है, सिर्फ आपको रिटर्न कर देगा सॉर्ट करके आपकी लिस्ट, ठीक है। अब ये ओरिजिनल पर असर नहीं करता है, इस वजह से इस फंक्शन को हम ट्यूपल के साथ में भी यूज़ कर देते हैं, क्योंकि हमारा ट्यूपल होता है इम्यूटेबल, वो अपने आप में चेंज करता नहीं है। इस वजह से हम सॉर्टेड के थ्रू उसको भी सॉर्ट करा देते हैं, क्योंकि वो ओरिजिनल जो हमारा ट्यूपल है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसमें जब भी हमारा सॉर्ट करके डेटा आता है, तो वो लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न होकर के आता है। तो ये हमें जो भी आंसर देगा, चाहे ये ट्यूपल के साथ में काम करे, तो भी ये लिस्ट में ही आंसर हमें करने वाला है, ठीक है। अब सॉर्ट फंक्शन, ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमारा लिस्ट के साथ ही यूज़ होता है, ये लिस्ट का ही फंक्शन है, और ये हमारी ओरिजिनल लिस्ट को ही सॉर्ट करके दे देगा हमें, ठीक है। ऊपर वाले से हमारे ओरिजिनल डेटा पर कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और ये हमारा ओरिजिनल जो है उसको सॉर्ट करके देता है। तो लेट्स डू इट प्रैक्टिकली। यही एक लिस्ट पड़ी हुई है, और इसके अंदर हम कर रहे हैं सॉर्टेड फंक्शन का यूज़, और उसके अंदर हमने डाल दिया अपना एल। एल हमारी लिस्ट है। तो देखिए, इससे क्या किया, सॉर्टेड फंक्शन यूज़ हुआ, बट हमारी लिस्ट तो सॉर्ट हुई नहीं, वैसे ये पहले से ही सॉर्ट है, तो इसके अंदर हम कुछ और वैल्यूज़ डाल लेते हैं। अगर ऐसे डालेंगे तो देखिए, हमारी एक्चुअल लिस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, इस पूरे को प्रिंट कराती हूँ, तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है, ये एरर। हाँ, तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर सॉर्ट पहले वाले में कर रहे थे, तो इसने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट सॉर्ट करके दे दिया, बट हमारी एक्चुअल लिस्ट वो अभी भी वैसी की वैसी है, क्योंकि सॉर्टेड फंक्शन है जो सिर्फ हमें क्या दे रहा है, सिर्फ हमें जो है सॉर्ट करके रिटर्न कर रहा है, एक्चुअल पर कोई असर नहीं कर रहा है। बाय द वे, अगर इसके अंदर मुझे करना होगा रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू, यानी कि डिसेंडिंग के अंदर, तो ऐसा कुछ होगा। बट अगर वहीं पर मैं सॉर्टेड फंक्शन की जगह पर सॉर्ट का यूज़ करती, तो हमारा कुछ ऐसे चलता। सॉर्ट हम यूज़ करते, तो ये हमारे एक्चुअल लिस्ट को सॉर्ट करके देगा। दोनों में आपने एक चीज़ देखी कि दोनों लिस्ट में ही आंसर आपका रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी आप क्या करोगे, इज इक्वल्स टू ट्रू लिखना होगा, तब जा कर के आपका डेटा है जो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसी फंक्शन को ट्यूपल के साथ में यूज़ करती हूँ, तो ये मुझे बोलने वाला है कि ट्यूपल के अंदर ऐसा कर नहीं सकते। बट अगर हम ये वाला करें, तो इसको हम
ट्यूपल बना दें। तो अब देखिए ट्यूपल के केस में ये हमें सॉर्ट करके एक लिस्ट प्रोवाइड करा रहा है, ट्यूपल आपका वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ जो हम अगली लाइन में प्रिंट करा रहे हैं, राइट। आई होप ये आपको डिफरेंस दोनों के बीच का है जो समझ में आया होगा। ये था हमारा दोनों के बीच का अंतर। तो गाइज आपको अगर समझ में आ गया है तो आप बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों चीज़ें कर दीजिए, और दोस्तों के साथ पक्का 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 शेयर कर देना। और हमारा ऊपर कोड है LA Live जिसको आप यूज़ करते हो हमारे अनअकैडमी की सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो प्लस सब्सक्रिप्शन लेना तो जो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। टर्म वन की तैयारी हो रही है, टर्म टू की भी ऐसे जोरों शोरों से तैयारी है जो स्टार्ट होगी, तो आपको बिल्कुल लेना चाहिए प्लस सब्सक्रिप्शन, और उसके लिए भी आप LA Live कोड यूज़ कर सकते हैं। लेट्स क्रैक इट। हाँ।